गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम बात कर रहे हैं भूगोल विषय का पाठ संख्या 2, जनसंख्या के बारे में हम पढ़ रहे थे। जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि में चल रहे हैं, तो इसके आगे के पार्ट में आप देखेंगे जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1.9%। जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में हमने अध्ययन किया था और भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है, 1.9% वार्षिक है। इस वृद्धि दर से भारत की 1 अरब जो जनसंख्या है ये 36 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। 1 अरब जो जनसंख्या है भारत की ये 36 वर्षों में कितनी हो जाएगी, आगामी 36 वर्षों में, ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 2011 की जनगणना में लगभग भारत की जनसंख्या कितनी थी, 1 अरब के समथिंग थी, और आगामी 36 वर्षों में ये 2 अरब हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। इसके साथ में आप देखेंगे कि विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे। तुलना करेंगे यहाँ भारत की जो जनसंख्या है इसको दोगुनी होने में कितना समय लगेगा, 36 वर्ष। भारत की जनसंख्या को डबल होने में, दोगुना होने में कितना समय लगा, 36 वर्ष। और जो विकसित राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्रों की हम बात करें जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, जापान है, चीन है, विकसित जो राष्ट्र हैं, इन विकसित राष्ट्रों को, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब विकसित राष्ट्र हैं, इन विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या को दोगुनी करने में कितने वर्ष लगेंगे, 318 वर्ष लगेंगे। थोड़ा सा बीच में विद्यार्थी ध्यान देंगे, पढ़ते समय आप लिखेंगे नहीं अपनी नोटबुक में, ये आपके ऐसे कैसे स्लाइड हैं। जैसे ही मैं इस स्लाइड को पूरी समझा देता हूँ और आपके सामने देखो यहाँ आ रहा है, नीचे स्लाइड फर्स्ट है, 27 स्लाइडों में से पहली स्लाइड ही आपको पढ़ाई जा रही है। इस स्लाइड को जैसे ही यहाँ पूर्ण होती है अपनी, इसके बाद में आप वीडियो को पॉज करके तुरंत उतारें, पहले उसको समझ लें और इसके बाद में उसको उतारें, तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ तो मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो पहले आप समझ लें और इसके बाद में आपको 1 मिनट का या 2 मिनट का समय लगेगा, तो उसमें आराम से आप इसको उतार सकते हैं। इसके अलावा ऐप में आपकी व्यवस्था भी की जा रही है कि ये जो नोट्स हैं ये अब आपके लिखित नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं जो दोबारा से आपको पुनः बनाए गए हैं। कई बच्चों की समस्या थी कि सर बुक्स से मेल नहीं खा रहा है, तो उसमें बुक्स से तो मेल खा रहा था लेकिन थोड़ा सा उनको ज़्यादा सॉल्व कर दिया गया था, इसलिए अब आपकी ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। और पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप पूरा एकाग्रचित होकर के, मन लगा करके अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इस भूगोल विषय के कोर्स के साथ साथ आपको इसकी इर्द गिर्द आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि केवल आपको अपने विषय से संबंधित ही मैटर जो आपका सिलेबस में है उतना ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि आगे आप कंपटीशन क्लासों में जाएंगे, बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, कॉलेज में भी जाएंगे, कई प्रतियोगी परीक्षाओं की भी आप तैयारी करेंगे, वो भी देंगे, तो आपको गहनता से विषय को समझने की कोशिश करनी है, ज़्यादा मैटर को शॉर्ट करने में आनंद लेना है, वो आगे जा करके आपके लिए दुखदायी बनेगा। तो सभी विद्यार्थी एकाग्रचित होकर के जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा करें। एक आपकी व्यवस्था और की जा रही है कि जो आपका समस्या है कोई भी, एक भूगोल कक्षा 12 के नाम से एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और सभी विद्यार्थी मेरे जो नंबर हैं इन पर अपने अपने व्हाट्सएप नहीं भेजेंगे, मैसेज कर देंगे, उन नंबरों को मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा और जो भी आपकी समस्या है वो आप अपने कागज़ पर लिख करके, नोट करके, उसकी फ़ोटो खींच करके उस ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप में सभी विद्यार्थियों को मैसेज भेजने के लिए अलाउ रखा जाएगा, लेकिन ध्यान रखें केवल और केवल अपने विषय से संबंधित मैसेज ही आप ग्रुप में भेजेंगे। 1-2 दिन में ऐसी मैं व्यवस्था कर दूंगा। मेरा जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पर अपने भूगोल विषय के जो विद्यार्थी हैं मोबाइल नंबर आप नोट कर लेंगे, इस मोबाइल नंबर पर आपको केवल मैसेज करना है, फ़ोन नहीं करना है, फ़ोन के लिए समय नहीं रह पाएगा, तो आप फ़ोन नहीं करें, बार बार फ़ोन में अटेंड भी नहीं कर पाऊँगा, आप फ़ोन करें भी नहीं, तो आपके मेरे जो मोबाइल नंबर हैं इन मोबाइल नंबरों पर आप मैसेज कर देंगे, और ये हैं आपके 9929313
2949493 इन नंबरों पर आप मैसेज करेंगे। क्या मैसेज करेंगे? केवल अपने नंबर सेंड करने हैं, अपना नाम, कक्षा, विषय और मोबाइल नंबर। नाम क्या क्या सेंड करना है? खुद का, अपने विद्यार्थी का नाम लिखना है, कौन सी कक्षा का है ये आपको कक्षा लिखनी है, कक्षा वैसे 12 का चालू करना है, विषय आपका भूगोल है, तो ये चीज़ें तो हैं। और नाम लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, विषय लिख देंगे और अपने क्या लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख करके क्या करना है, केवल आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप नहीं करना है। फिर आपको भूगोल के ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अलग से एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जो भी आपकी समस्या है, वो समस्या कोई भी पर्सन से संबंधित आपके कोई दिक्कत है, किसी पॉइंट में आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लास में किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आ रही है कि सर इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से मेरे को नोट्स बनाने चाहिए, कैसे मैं होमवर्क करूँ, जो भी समस्या आपकी एक्स वाई जेड, वो अपनी समस्या एक पेज पर लिखें, कागज पर लिखें, उसकी फोटो खींचें और नीचे अपना नाम लिखेंगे कि कौन से विद्यार्थी के क्या समस्या आई थी, तो उसका समाधान है वो नेक्स्ट क्लास में कर दिया जाएगा। जैसे आज आपने पढ़ा, आज जो पाठ संख्या 2 है इसका पाठ 8 आप पढ़ रहे हैं, और पाठ 8 पढ़ने में आपके कोई भी पॉइंट में दिक्कत रही, किसी प्रकार की कोई समस्या रही, तो वो समस्या है वो आप कागज पर लिख करके उसकी व्हाट्सएप जो ग्रुप रहेगा अपना, गोल ग्रुप, पर्सनल नहीं करेंगे, कोई भी विद्यार्थी पर्सनल व्हाट्सएप नहीं करेगा, केवल ग्रुप में ही करेगा, और ग्रुप में एक्स्ट्रा किसी प्रकार की कोई चैटिंग भी नहीं करेगा, जैसे सुबह गुड मॉर्निंग वगैरह करना है ये कुछ भी नहीं करेंगे, अन्यथा उस विद्यार्थी को ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये आप पूर्ण ध्यान रखें कि ग्रुप में किसी प्रकार का अदर मैसेज नहीं चला जाए, इस बात की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी। कई विद्यार्थी कह देते हैं कि सर नहीं, मेरा छोटा भाई ने भेज दिया, बड़े भाई ने भेज दिया, इस प्रकार कि ये जो शिकायतें हैं वे नहीं सुनी जाएंगी, तुरंत तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। बाकी आप जो भी समस्या है विषय से संबंधित, वो सारी समस्याएं ग्रुप में आप सेंड करते रहें, मैं स्वतः देख लूंगा, और आगामी जो कक्षा होगी उस आगामी कक्षा में पहले उन समस्याओं का हम क्या करेंगे, समाधान करेंगे, और इसके बाद में अपना आगे का अध्ययन करेंगे। तो ये बातें आप नोट कर लें, और जो विद्यार्थी जिन्होंने ऐप इंस्टॉल कर रखा है, ऐप पर विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं, वो सारे विद्यार्थी विषय का गहनता से अध्ययन करते जाएं। पीछे वाले जो वीडियो हैं, अगर इनमें आपकी समस्या है तो मैं पुनः रिवाइज करवा दूंगा। आज से जो वीडियो चल रहा है वो आपका बहुत ही शानदार और पूरा सटीक मैटर आपको मिलेगा, और पढ़ने में भी आपको बहुत अधिक आनंद आएगा। जो भी समस्या है उसका भी आपका समाधान कर दिया गया है, तो केवल आप मैसेज लिख दें, या रविवार के दिन आप फोन करके भी मेरे को बता सकते हैं कि सर ये मेरा नंबर है, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए, तो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, और लिखित में आप अपनी समस्या दे दें। और उस समस्या का समाधान कब मिलेगा भाई? नाम से आपको, जैसे आज पार्ट 8 देखा है और इसमें कोई समस्या आई है या इससे पहले कोई समस्या थी, तो पार्ट 9 में सबसे पहले उस समस्या का क्या मिलेगा आपको समाधान, इसके बाद में हम आगे वाला जो पॉइंट है वो चालू करेंगे। थैंक यू। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे, ये बातें हैं ये सुन लिया आपने, कि आगे देखेंगे जननांकीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ेंगे हम। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? इसको जनसंख्या चक्र भी कहा जाता है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत को जनसंख्या चक्र भी कहा जाता है। आगे देखेंगे प्रतिपादक, यानी जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, प्रतिपादक कौन है इसके? प्रतिपादक है W.M. थॉम्पसन। कौन है? W.M. थॉम्पसन। और दूसरा जो प्रतिपादक है वो है इसके नोएस्टीन, फ्रैंक W. नोएस्टीन। ये जननांकीय संक्रमण सिद्धांत को देने वाले भूगोलवेत्ता हैं। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो इन्होंने दिया वो किसके आधार पर दिया? देखो, इन्होंने अध्ययन किया किस किस का, एक तो यूरोप महाद्वीप है उसकी जनसंख्या का, एक अमेरिका महाद्वीप की जनसंख्या का, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तीन महाद्वीप हैं, यूरोप है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। इन तीनों महाद्वीपों की जन्म दर का और मृत्यु दर का, तीनों महाद्वीपों की जन्म दर और मृत्यु दर का इन्होंने अध्ययन किया, और जन्म दर और मृत्यु दर का अध्ययन करने के बाद में इन्होंने क्या दिया है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ध्यान रखेंगे, जननांकीय जो संक्रमण सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? W.M. थॉम्पसन। पढ़ाते समय आप नहीं उतारेंगे,
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया उस तरीके से उतारेंगे तो पढ़ने में भी बहुत आनंद आएगा। जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊं उसको पॉज करके फिर उतारेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, नहीं तो न तो मेरी सुन पाएंगे न समझ पाएंगे और न ही आप सही तरीके से उतार पाएंगे। तो पहले आप सुने समझें देखें आराम से सामने किस प्रकार से आपको क्या चीज़ बताई जा रही है, और फिर बाद में वीडियो को हल्का पॉज कर लो मिनट के लिए 2 मिनट के लिए और तुरंत उसको उतार लो। बाकी पीडीएफ की भी आपकी सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। फिर भी नोट्स आपको अपने हाथ से बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप किसी बात को अपने हाथ से नहीं लिखोगे तब तक वो आपके दिमाग में बिल्कुल फीड नहीं होगी। और एक आपको मैंने बताया था कि भूगोल विषय का अध्ययन करते समय आप अपना एटलस साथ लेकर के बैठें। पढ़ाई में किसी प्रकार की कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है। कई विद्यार्थी कहते हैं कि 200 रुपये क्यों खराब करें, एटलस क्यों लाएं, सर बता रहे हैं उसी से काम चल जाएगा। नहीं देखो बच्चों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी क्या मतलब आपको केवल 5% ही हम दे पाते हैं। इतनी बातें हैं कि 5% में भी आपके बहुत ज़्यादा भार हो जाता है। आप कहते हैं कि सर इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो, 95% तो रह ही जाता है। फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। पीछे विद्यार्थियों ने मैं आपका बहुत अध्ययन किया है बहुत शानदार तरीके से, और आज वो भूगोल विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं भूगोल विषय में जब अपना एमए वगैरह कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से भूगोल विषय को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। मैप का उनको अच्छी तरह से नॉलेज हो गया है, पूरा विश्व भ्रमण करते हैं आराम से, घूमते हैं देखते हैं उसमें कौन कौन से स्थान है कहाँ कहाँ। इनको बार बार आप रिवाइज करोगे तब जा करके आपके दिमाग में ये फीड होगा। एकदम से फीड नहीं होगा, रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से ही काम चलेगा। देखिए आगे, ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है WM थॉम्पसन और फ्रैंक नोस्टीन के द्वारा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जनसंख्या जो संक्रमण सिद्धांत है इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है देखो, दो प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की परिभाषा है वो आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक आपकी परिभाषा रहेगी कि किसी देश या समाज का अपनी आदिम अवस्था से, यहाँ आदिम अवस्था का मतलब है प्राचीन अवस्था। आदिम अवस्था का तात्पर्य क्या है, यहाँ केवल प्राचीन अवस्था से है कि मानव का जब आविष्कार हुआ था और उस समय की जो परिस्थिति थी, मानव अपने प्रारंभिक समय में मानव की जो परिस्थिति थी उसको क्या कहा जाता है, आदिम अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो आदिम अवस्था से देखो, आज से 200 साल पहले का मानव था वो क्या था, एक आदिम अवस्था में था, सारा का सारा प्रकृति के अधीन था। पहले पाठ में भी हमने अध्ययन किया था पर्यावरणवाद, निश्चयवाद, प्रकृतिवाद, पूरा का पूरा मानव पर प्रभावी था। जैसा प्रकृति चाहती थी वैसा मानव को सहन करना पड़ता था। और धीरे धीरे मानव ने क्या किया है, विज्ञान का विकास किया है, प्रौद्योगिकी का विकास किया है, और आज मानव अपनी जो जनसंख्या चक्र है, अपना जनाति के संक्रमण की जो अवस्था है, इस अवस्था में क्या होता जा रहा है, विकसित होता जा रहा है। परिभाषा पहली, किसी देश या समाज का अपनी आदिम अवस्था से विकसित अवस्था की ओर बढ़ना, आदिम अवस्था से विकसित अवस्था की ओर बढ़ना क्या कहलाता है, जननांकीय संक्रमण कहलाता है। ध्यान रखेंगे, अपनी आदिम अवस्था से विकसित अवस्था की ओर बढ़ना जननांकीय संक्रमण कहलाता है। या यहाँ से आप नोट करेंगे इसकी दूसरी परिभाषा क्या है, उच्च मृत्यु दर। ध्यान रखेंगे, आदिम अवस्था में क्या थी, मृत्यु दर भी उच्च थी और जन्म दर भी उच्च थी। तो उच्च मृत्यु दर व उच्च जन्म दर से क्या कर लेना, निम्न मृत्यु दर। आज मृत्यु दर भी निम्न है और जन्म दर भी क्या है, जो विकसित हो चुके हैं ना देश, इनकी मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही क्या है, निम्न है। इनका अध्ययन करेंगे आगे, हम देखेंगे भी अवस्था तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो उच्च मृत्यु दर व उच्च जन्म दर से निम्न मृत्यु दर व निम्न जन्म दर होने की अवस्था, इसको भी मतलब क्या कहा जाता है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। तो दो परिभाषाएं हो गई आपकी, एक परिभाषा तो हो गई यहां से यहां तक, यहां से लेकर के और यहां तक की एक परिभाषा है, या तो आप ये लिख सकते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की परिभाषा, या इसके बाद में आप दूसरी परिभाषा देखो, यहां से चालू करके और यहाँ तक जो यह है, ये भी क्या है, जननांकीय संक्रमण जो सिद्धांत है इसकी क्या है, परिभाषा है। तो इस प्रकार से ये जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है। क्या क्या पूछा जा सकता है ध्यान रखें, देखो पहला प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। सबसे पहला प्रश्न है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 1.9%, समझ गए। दूसरा प्रश्न आपका क्या बनेगा, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से या भारत की जनसंख्या को दोगुनी होने में
और अन्य विकसित राष्ट्रों की जनसंख्या को दोगुनी होने में तुलना कीजिए कि भारत की जनसंख्या दोगुनी होने में कितना समय लेगी और अन्य विकसित राष्ट्रों की जनसंख्या है उसको दोगुनी होने में कितना समय लगेगा। तो भारत की जनसंख्या को दोगुने होने में 36 वर्ष लगेंगे जबकि अन्य विकसित राष्ट्रों की जनसंख्या को दोगुने होने में कितना समय लगेगा, 318 वर्ष लगेगा। इसका मतलब भारत में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है। फिर आपको पूछा जाएगा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो प्रतिपादन किया है WM थॉम्पसन और Frank W. Nowinski ने। इसके बाद में किसके आधार पर किया है, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन महाद्वीप हैं, इनमें जन्म दर का और मृत्यु दर की प्रवृत्ति के आधार पर जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। परिभाषा में आप क्या देखेंगे, परिभाषा दो प्रकार से मैंने आपको बता दी है, किसी देश या समाज का अपनी आदिम अवस्था से विकसित अवस्था की ओर बढ़ना या उच्च मृत्यु दर व उच्च जन्म दर से निम्न मृत्यु दर व निम्न जन्म दर होने की अवस्था को ही क्या कहा जाता है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। अब आप इसको पॉज कर लो और उतार लो, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। आइए आगे जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की विशेषताएं पढ़ेंगे। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, विशेषताओं का मतलब देखो लोग अपनी आदिम अवस्था में कैसे होते हैं, ध्यान देंगे यहाँ जो लोग हैं वो अपनी आदिम अवस्था में यानी अपनी प्रारंभिक अवस्था में तो यह है, ये तो क्या है लोगों की एक आदिम अवस्था है। आदिम अवस्था में लोग प्रारंभिक में ग्रामीण होते हैं, खेतीहर होते हैं और क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं। इसके बाद में जैसे जैसे जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की वो आगे की अवस्था में बढ़ते हैं तो ग्रामीण से क्या हो जाएंगे, नगरीय, धीरे धीरे गांवों से कहाँ पलायन करते जाएंगे वो, नगरों की ओर। खेती करने के स्थान पर वो क्या करेंगे, व्यापार करने लग जाएंगे, उद्योग धंधों का इनका विकास करने लग जाएंगे और अशिक्षित से क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे वो शिक्षित होते जाएंगे। तो ये क्या है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की विशेषताएं हैं। अब इसको आपने समझ लिया फिर पोज कर लेना, अब मैं बार बार नहीं कहूंगा, यहाँ आपको दिखाई देता जाएगा हमेशा। ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपकी जो इसका स्लाइड नंबर 2 27 में से दूसरी है, फिर पोज कर लेंगे, उतार लेंगे। नेक्स्ट आइए उपयोग, जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है इसका आपको उपयोग पूछा जाएगा कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्या है। उपयोग देखेंगे भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने में, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसमें किया जाता है, भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान कि भविष्य में किसी क्षेत्र की, किसी समाज की या किसी देश की जनसंख्या कैसी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, तो उसका पूर्वानुमान लगाने में किसका उपयोग किया जाता है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो यह है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग, ध्यान रखेंगे जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग जो है वो भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने में किया जाता है। आगे देखो जननांकीय संक्रमण या इसका दूसरा नाम क्या है, जनसंख्या चक्र। जननांकीय संक्रमण का दूसरा नाम क्या है, जनसंख्या चक्र भी कह सकते हैं, ऑब्लिक लगा के आपको बताया गया है कि जननांकीय संक्रमण या इसका दूसरा नाम क्या है, जनसंख्या चक्र। इसकी परिकल्पना क्या है, परिकल्पना का मतलब कि व्यक्ति जैसे जैसे विकसित होता जाएगा तो देखो उसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे। जननांकीय संक्रमण या जनसंख्या चक्र की परिकल्पना यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति विकसित होता जाएगा, अपनी विकसित अवस्था की ओर बढ़ता जाएगा, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जन क्षमता, जन क्षमता का मतलब है जनसंख्या, जन क्षमता का मतलब क्या है, जनसंख्या में ह्रास, ह्रास का मतलब क्या है यहाँ, कमी, ह्रास का मतलब क्या है, कमी। अगर जनसंख्या में कमी होगी तो उससे पहले किसमें कमी आएगी, मृत्यु दर में, ध्यान देंगे आप, देखो मृत्यु दर में कमी आएगी। अब आप सोचेंगे कि सर मृत्यु दर में कमी आएगी तो जनसंख्या में कमी क्यों होगी, वे लोग कम मरेंगे तो जनसंख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। आप इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे, उतारना आपको यही है, मैं एक्स्ट्रा बोर्ड पर पढ़ाऊँ उसको नहीं उतारना है, ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो आदिम अवस्था थी, मानव की जो आदिम अवस्था थी, इस आदिम अवस्था में अभी हम पढ़ेंगे जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था, इसको पांच अवस्थाओं में, पांच अवस्थाएं हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की, तो पांच अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आदिम अवस्था में जन्म दर भी उच्च रहती है और मृत्यु दर भी उच्च रहती है,
जन्म दर भी क्या रहेगी, उच्च रहेगी, और मृत्यु दर है वो भी क्या रहती है, उच्च रहती है। फल स्वरूप दोनों ही उच्च रहती हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, धीमी। प्रारंभिक जो अवस्था है जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की, इसमें जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, लेकिन फिर भी जनसंख्या जो वृद्धि है वो क्या रहती है, धीमी रहती है। जैसे जैसे कोई भी समाज या कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र अपनी विकसित अवस्था की ओर बढ़ेगा, जननांगी के संक्रमण जो सिद्धांत है, इस जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की उच्च अवस्था की ओर अग्रसर होगा, तो उसमें देखो धीरे धीरे जन्म दर भी घटती जाएगी और मृत्यु दर भी घटती जाएगी। जन्म दर भी घटती जाएगी और मृत्यु दर भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और ये तीसरी अवस्था तक तो लगभग जनसंख्या इसमें क्या करती जाएगी, वृद्धि करती जाएगी। यानी जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की जो तीसरी अवस्था है, तृतीय अवस्था है, इस तीसरी अवस्था तक तो लगभग जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। और इसके बाद में जैसे ही हम चौथी स्टेज में पहुंचेंगे, जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की चतुर्थ अवस्था में पहुंचेंगे, तो जन्म दर भी निम्न रहेगी, मृत्यु दर भी निम्न रहेगी, और निम्न होती जाएंगी, और भी क्या होती जाएंगी, निम्न होती जाएंगी। और चौथी अवस्था में आते आते जनसंख्या क्या होती जाएगी, लगभग क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, न बढ़ेगी न घटेगी। इसके बाद में जैसे ही हम पांचवी अवस्था की ओर पहुंचेंगे, जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में पहुंचेंगे, हम पांचवी स्टेज पर पहुंचेंगे, तो जनसंख्या में क्या होना शुरू हो जाएगा, कमी, ह्रास होना शुरू हो जाएगा। जनसंख्या में ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कमी, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी होता है। तो जैसे ही हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में पहुंचेंगे, पांचवी अवस्था में पहुंचेंगे, तो जन्म दर भी क्या रहेगी, निम्न रहेगी, जन्म दर भी क्या रहेगी, निम्न रहेगी, मृत्यु दर भी क्या रहेगी, निम्न रहेगी, लेकिन जनसंख्या में क्या होती जाएगी, कमी होने लग जाएगी, जनसंख्या में ह्रास होने लग जाएगा। तो आपको यहाँ समझना है कि जनसंख्या में ह्रास होगा, जनसंख्या में कमी होगी, इससे पहले मृत्यु दर में क्या आएगी, कमी आएगी। ये परिकल्पना है किसकी, कि कोई भी समाज, कोई भी देश जननांगी के संक्रमण चक्र की अगर उच्च अवस्थाओं में प्रवेश करता है, जननांगी के संक्रमण जो सिद्धांत है या चक्र है, इसकी उच्च अवस्थाओं में प्रवेश करता है, तो उसमें हमारे को क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जन क्षमता में ह्रास होगा, मृत्यु दर में कमी आएगी। फिर है मृत्यु दर से मेल जोल बनाए रखने के लिए, भाई मृत्यु दर में कमी आ रही है, इस मृत्यु दर से मेल जोल बनाए रखने के लिए प्रजनन दर भी क्या हो जाएगी, अंत में कम हो जाएगी। यानी ये विकसित राष्ट्रों की कहानी है कि वहाँ जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, तो इस मृत्यु दर से मेल जोल बनाए रखने के लिए प्रजनन दर में भी अंततः है क्या होगी, कमी हो जाएगी। और ये हम पांचवी स्टेज में पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे ना, जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की जब पंचम अवस्था पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको ये सारा मालूम पड़ जाएगा। यहाँ आपको देखना है क्या, कल्पना कर सकते हैं, दिमाग में बिठाइएगा क्या चीज, कि जननांगी के संक्रमण जो सिद्धांत है, यानी व्यक्ति अपनी जनसंख्या की अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी आदिम अवस्था से, यानी अपनी अविकसित अवस्था से जैसे ही विकसित अवस्था की ओर बढ़ता है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, और ये परिकल्पना की जाती है, ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। किसी भी देश या समाज की जनसंख्या में कमी आएगी, जैसे जैसे विकसित होगा जनसंख्या बिल्कुल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन कमी आने से पहले उसकी क्या घटेगी, मृत्यु दर घटेगी। देखो मृत्यु दर घटने का स्वाभाविक है, आप एक परिवार की तुलना कर लें, बड़ा परिवार होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, खान पान भी अच्छा नहीं मिल पाएगा, वातावरण अच्छा नहीं मिल पाएगा, इन सब की वजह से हमें बहुत सारी महामारियों का सामना करना पड़ेगा, अनेक समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा, आर्थिक समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा, जिससे हमारा पूर्ण रूप से क्या नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता। फिर तीसरा क्या है, समाज में आर्थिक, देखो जैसे जैसे जननांगी के संक्रमण सिद्धांत के आगे आगे अवस्थाओं में बढ़ेंगे, पांच अवस्था मैंने बताई ना, पहली पहली स्टेज का मतलब बिल्कुल नॉर्मल सामान्य जनजीवन, निम्न स्तर का जीवन जनजीवन,
फिर दूसरी स्टेज में जाएगा, वैसे थोड़ा सा फिर और उसका विकास होगा तो उसको दूसरी स्टेज में मानेंगे, फिर तीसरी में, चौथी में, पांचवी में। पांचवी में जाते जाते तो मतलब ये चिंता सताने लग जाती है कि हमारा परिवार क्या हो गया है, बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, विकसित तो हो गए हैं लेकिन जनसंख्या में क्या हो गया है, बहुत ज्यादा ह्रास होने लग जाता है। आर्थिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देखो क्या कर रहे हैं, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की, जैसे ही आप उच्च अवस्थाओं में देखेंगे आर्थिक परिवर्तन, यानी जैसे ही मानव है प्राथमिक से प्रथम से द्वितीय तृतीय चतुर्थ जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अवस्था में प्रवेश करेगा तो उसका आर्थिक स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा पैसों वाला हो जाएगा, समाज में परिवर्तन हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, वह रहन-सहन बदल जाएगा, उसका मतलब जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, ये सब बातें बदल जाएंगी, और उसी के साथ जनसंख्यकीय रूपांतरण, जनसंख्यकीय रूपांतरण यानी जो जनसंख्या उसकी थी शुरुआत में, उसके परिवार की, उसके पूर्वजों का जो रहन-सहन, पूर्वजों की जो जनसंख्या, पूर्वजों का आर्थिक स्तर जो था उससे वो बिल्कुल क्या होता जाएगा, अलग होता जाएगा। तो पुनः दिमाग में बिठा ले, जो जनसंख्यकीय संक्रमण सिद्धांत है या जनसंख्या चक्र है, इसकी तीन कल्पनाएं हैं, और तीन कल्पनाओं में कौन कौन सी कल्पनाएं हैं। पहली कल्पना क्या है आपकी, जन क्षमता में ह्रास होने से पहले मृत्यु दर में कमी आएगी, फिर दूसरा मृत्यु दर से मेलजोल बनाए रखने के लिए प्रजनन दर भी अंततः कम हो जाएगी, समाज का आर्थिक सामाजिक और जनसांख्यिकीय रूपांतरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था, कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था कौन कौन सी है। तो अभी मैंने आपको बताया कितनी अवस्थाओं में, पांच अवस्थाओं में जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की पांचों अवस्थाएं लिख लेंगे। प्रथम, ये प्रे लिखना है भाई, यहाँ देखो यहाँ प्रथम ही हो गया है, टाइप में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसकी जगह आप प्रथम, प्रथम की जगह क्या लिखेंगे, प्रथम, जो प्रथम लिखा हुआ है इस प्रथम की जगह आपको क्या लिखना है, प्रथम लिखना है, समझ गए, यहाँ इसको सुधार कर लेंगे, प्रे में रह नहीं लग पाया है, तो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ और पंचम, ये पांच अवस्थाएं हो गई हैं। इसके बाद में आइए आगे, अब हम अध्ययन करेंगे विस्तार से जननांकीय संक्रमण जो सिद्धांत है इसकी प्रथम अवस्था का अध्ययन करेंगे, कि मानव जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की जब प्रथम अवस्था में होता है तो उसका जीवन कैसा होता है, देखो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। प्रथम अवस्था का मतलब मानव प्रारंभ में जो मानव था, शुरुआत में जो मानव था, प्रारंभिक जो मानव था वो प्रथम अवस्था में था, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो सबसे पहले जन्म दर क्या होगी, उच्च, प्रथम अवस्था में जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में जन्म दर भी क्या होगी, उच्च, तो जन्म दर होगी और उच्च ही क्या होगी, मृत्यु दर, जन्म दर क्या होगी, उच्च, और मृत्यु दर दोनों ही क्या होगी, उच्च। कारण क्या है, जन्म दर ऊंची होने का और मृत्यु दर ऊंची होने का कारण क्या है। देखो आदिम अवस्था में यानी जब विज्ञान का आविष्कार नहीं हुआ था, तकनीकी का आविष्कार नहीं हुआ था, प्रौद्योगिकी का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग पर्यावरण की मार झेल रहे थे, पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करने की कोशिश कर रहे थे, पर्यावरण प्रकृति जैसा चाहती थी लोग वैसा ही मानने को तैयार रहते थे, तो उस समय लोग देखो किससे जूझ रहे थे, महामारियों से, बहुत ज्यादा महामारी थी, और महामारी आप जानते हैं कितना प्रलय करती है, अभी कोविड-19 जो अपना चला और चल ही रहा है, अभी तक उसका प्रभाव पूरा नहीं हुआ है, तो आप भी अभी अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, मास्क पहनेंगे, बिल्कुल मास्क का उपयोग करेंगे, और कहीं भीड़ भाड़ के अगर क्षेत्र में कहीं जाते हैं तो सैनिटाइज का पूर्ण उपयोग करेंगे, विशेष ध्यान देने योग्य बात है, पूर्णतः है सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे, लापरवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है कि कुछ नहीं है कोरोना वोरोना, ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब महामारी है और इस महामारी से बचना ही एक हमारा परम धर्म है। तो देखो लोग महामारी प्रारंभिक अवस्था में क्या थे, लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति, महामारी बहुत ज्यादा महामारी आया करती थी क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी, भोजन की अनिश्चित आपूर्ति यानी भोजन मिल जाए तो मिल जाए और नहीं मिले तो भी ठीक है। आपने पढ़ा होगा देखो पुरानी कक्षाओं में, मतलब पहले की कक्षाओं में, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब शुरू का मानव था तो आज की जैसे उसको भोजन उपलब्ध थोड़ी होता था, आज तो मतलब चाय जैसे हम मतलब क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी भोजन मंगवा सकते हैं, घर बैठे हैं, कहीं जाना आना नहीं हो तो ऑनलाइन भी हम क्या कर सकते हैं कि भाई चलो एक टिफिन हमारे घर पहुंचाना चाहिए, पहुंच जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है, आज तो चाहे जैसा आप क्या कर सकते हैं,
भोजन की आप आपूर्ति कर सकते हैं। सब कुछ जो समस्याएं हैं उनका सबका मतलब घर बैठे क्या हो रहा है, समाधान हो रहा है। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, लोग भोजन की समस्याओं से जूझते थे। और आपने देखा होगा कि लोग अपना पेट पालन करने के लिए पेड़ों की छाल खाया करते थे, पेड़ पौधों की पत्तियां खाया करते थे, तो ऐसे अपना मतलब भोजन अपना पेट भरा करते थे। तो भोजन की क्या थी, अनिश्चित आपूर्ति थी, निश्चित आपूर्ति नहीं थी। जो गेहूं वगैरह आज पूर्वजों से आप सुनते हैं कि पहले गेहूं की जो रोटी है, ये गेहूं की रोटी तो हमें बहुत ही नसीब वालों को ही, भाग्य वालों को ही नसीब हुआ करती थी। बहुत भाई दबे गेहूं का मतलब खाना बना करता था, नहीं तो जो है बाजरा है, मक्का है, इस प्रकार का जो अन्य धान होता था उसी की रोटी बनाया करते थे। तो देख लो आप, इससे आप कल्पना कर लें कि भोजन की प्रारंभिक समय में कितनी अनिश्चित आपूर्ति थी। दो चीजें थी, मृत्यु ज्यादा होती थी, देखो मृत्युओं की क्षतिपूर्ति यानी भोजन की अनिश्चित आपूर्ति थी, और महामारी ज्यादा थी, भोजन की आपूर्ति भी नहीं थी। मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले। तो भोजन की आपूर्ति नहीं थी, महामारी ये ज्यादा थी, और इनकी वजह से लोगों की क्या थी, मृत्यु ज्यादा थी। अब देखो मर रहे थे ज्यादा, अब इसकी कमी को क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो इस कमी यानी इस क्षतिपूर्ति यानी इस महामारियों के कारण और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति के कारण मरने वाले लोगों की कमी को पूरी करने के लिए, उनकी शक्ति पूर्ति करने के लिए लोग क्या करते थे, अधिक संतान उत्पन्न करते थे। कहने का मतलब जन्म दर भी अधिक हो गई, जन्म दर भी क्या हो गई, अधिक हो गई, और मृत्यु दर भी क्या हो गई, अधिक हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या थी, उच्च थी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि क्या थी, धीमी थी। अगर बच्चे ज्यादा जन्म ले रहे थे तो मरने वालों की संख्या भी क्या थी, ज्यादा थी। 100 का जन्म हुआ, 101 मर गए, तो बताइए जनसंख्या वृद्धि क्या रही, धीमी रही। या कभी कोई वर्ष में 100 का जन्म हुआ, 99 मर गए, 95 मर गए, 98 मर गए, तो जनसंख्या वृद्धि क्या थी, धीमी थी। फिर देखो आगे क्या विशेषता है कि अधिकांश जनसंख्या, सब लोग लगभग क्या करते थे, खेती करते थे। अधिकांश जनसंख्या कैसी थी, खेतीहर थी। शिक्षा का आज कोई उस समय मतलब प्रभाव ही नहीं था, क्योंकि हमारा भारत था वो भी अंग्रेजों के अधीन था उस समय। उपनिवेश युग की हम बात करें तो शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, लोग अशिक्षित ही थे, खेती करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। प्रौद्योगिकी स्तर बिल्कुल निम्न था। प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीकी, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, यहाँ तकनीकी, टेक्निकल ज़्यादा नहीं जानते थे, सामान्य टेक्निकल से, सामान्य तकनीक से ही अपना काम चलाते थे। और क्या थी, प्रकृतिवाद प्रभावी था। कौन सा वाद, प्रकृतिवाद, जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था ना, प्रकृतिवाद है ना, जो फ्रेडरिक रेटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता थे, फ्रेडरिक रेटजेल, जो प्रकृतिवाद या निश्चयवाद या पर्यावरणीयवाद, इसके क्या थे, प्रतिपादक थे, फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा था कि मानव पूर्णतः किसके वश में है, प्रकृति के वश में है, और जैसा प्रकृति चाहती है मानव को वैसा ही क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में पूर्णतः कौन प्रभावी था, प्रकृतिवाद प्रभावी था। ये इसकी विशेषताएं हैं। आगे देखो उदाहरण आपको बताया गया है कि आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व की हम बात करें, कितने समय पहले की हम बात करें, 200 वर्ष पूर्व की बात करें, तो 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश क्या थे, इसी अवस्था में थे। कौन सी अवस्था में, जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में थे। वर्तमान में हम देखो, वर्तमान में आपको उदाहरण ध्यान रखना है कि वर्तमान में कौन सी देश जो है वो जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था से गुजर रहे हैं। तो वर्तमान में एक तो बांग्लादेश, कौन सा देश है, बांग्लादेश, और एक वर्षा वनों के आदिवासी। वर्षा वनों के आदिवासी का मतलब जो हमारी भूमध्य रेखा है, कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है, जिसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, वो वहाँ के आसपास के लोग, वहाँ वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। कक्षा 11 में मैंने आपको बताया था कि जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पर, इक्वेटर जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, इस विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर सूर्य की वर्ष भर लगभग सीधी किरणें पड़ती हैं, और वर्ष भर लगभग सीधी किरणें पड़ने के कारण यहाँ का तापमान भी अधिक होता है, और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ मतलब प्रतिदिन दोपहर बाद समान ये वर्षा होती है। सुबह पानी है वो ऊपर उठता है समान धाराओं के रूप में, और दोपहर बाद में जैसे हल्का तापमान कम होता है, पानी क्या हो जाता है, वापस धरातल पर आ जाता है। तो यहाँ सघन वन है, जंगल है,
का पूरा जंगली इलाका है, आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं, क्योंकि अपने जैसे यहाँ क्या नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, अन्य व्यवस्थाएं भी नहीं है, परिस्थिति ऐसी है, पर्यावरण ही ऐसा है। तो वर्तमान में ये वर्तमान के आदिवासी और बांग्लादेश के जो निवासी हैं, ये भी आज किसमें जी रहे हैं, अपनी जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में जी रहे हैं। जैसा इसे तुलना आपको करना है कि सारे देश आज से 200 साल पहले हम जैसे थे, वैसे आज कौन है, बांग्लादेश और वर्षा के निवासी हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ मानचित्र में आपको भरना है, मानचित्र आप साथ रखेंगे खरीद लेंगे। प्रथम अवस्था को भरना है, सब अवस्थाओं के अलग अलग मानचित्र तैयार करने हैं। यहाँ मैंने मानचित्र दिखाया, यहाँ आपका बांग्लादेश आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, बांग्लादेश। और एक आपको क्या दर्शाना है, भूमध्य रेखा, एक आपको क्या दर्शानी है, भूमध्य रेखा, इसके बीच में वो आपके मैप में है 0-0, इसको मिलाकर कैसे भूमध्य रेखा दर्शानी है। और इस भूमध्य रेखा के जो आसपास के क्षेत्र हैं, यानी आप लिख देंगे यहाँ जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था, इसके ऊपर ही लिख देंगे ऐसे लाइन खींच करके, इसके लिख देंगे, इसका मतलब हम समझ आएंगे कि यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास के जो निवासी हैं, ये आज कौन सी जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं, प्रथम अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए ये प्रथम अवस्था हुई, इसके बाद में हम बात करेंगे द्वितीय अवस्था की, किसकी बात करेंगे, द्वितीय अवस्था की, जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था में देखो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। दूसरी अवस्था में देखो प्रारंभ, यानी द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजनन दर क्या रहती है, ऊंची। प्रारंभ में प्रजनन दर ऊंची रहने का तात्पर्य क्या हुआ, क्योंकि प्रथम अवस्था में प्रजनन दर क्या थी, ऊंची थी। जैसे ही व्यक्ति द्वितीय अवस्था में प्रवेश करेगा तो तुरंत ही तो वो समझ नहीं पाएगा कि हमें जनसंख्या वृद्धि को क्या करना है, रोकना है, समझता सा ही समझेगा, क्योंकि हर बात को हम धीरे धीरे समझेंगे। जैसे शुरू में देखो बच्चों ने ऑनलाइन का कितना बाउंडर मचाया कि ऑनलाइन कक्षाओं में क्या होगा, कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगा, बच्चे मतलब मोबाइल का मतलब दुरुपयोग करना सीख जाएंगे। अब बच्चे भी धीरे धीरे आदी हो गए और बच्चे धीरे धीरे सीख गए कि हमें अपने भविष्य को सुधारने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का उपयोग करना ही होगा, और जमाना ही क्या है, ऑनलाइन है, सारी की सारी चीज़ें मतलब क्या है, ऑनलाइन है। तो बहुत सारे विद्यार्थी तो इस प्रकार से आदि हुए हैं कि ऑनलाइन कक्षाओं का पूर्णतः मतलब आनंद उठा रहे हैं, कंपटीशन क्लास भी ले रहे हैं, अपने विद्यालय की क्लासें भी ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान रख रहे हैं। और देखो ये तो सीधी सी बात है कि आप जिस प्रकार की अपनी आदत बनाएंगे, उसी प्रकार से अपने जीवन में क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, उसी प्रकार से अपने जीवन में आप तरक्की करेंगे। अगर आपने गलत आदत अपनाई है तो आप अपने आगामी भविष्य में झांक करके देख लें कि अगर आप पढ़ाई के प्रति ध्यान कम लगाते हैं और अन्य बातों में अगर ध्यान ज़्यादा लगाते हैं, तो थोड़ी सी देर रुक करके अगर आप मनन करेंगे कि मेरे को कौन सी चीज़ से लाभ होने वाला है, कौन सी चीज़ से मेरे को फायदा मिलने वाला है, कौन सी चीज से मेरा जीवन आगे का सुनहरा होगा, और किस प्रकार की चीजों में मैं ध्यान दूंगा। अगर आप फालतू के ये कई जो कॉमेडी कॉमेडी ये बनाते रहते हैं, यूट्यूब है, ये दोनों प्रकार से लाभदायक है। अगर आप चाहो तो इसका मतलब बहुत ज्यादा फल आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित बातों को, और इनको देख करके बहुत ज्यादा तेज और तर्राट बन सकते हैं और अपने भविष्य को बहुत ही सुनहरा बना सकते हैं। और चाहो तो आप बिल्कुल एकदम क्या हो सकते हैं, भूटे भी हो सकते हैं। भूटे होने का मतलब आपका ऐसा भी मतलब आप अन्य गतिविधियों में ध्यान दे लेंगे तो कभी क्लास देखने का क्या नहीं करेगा, मन ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई देखो क्लास में तो आपको जोर लगाना ही पड़ेगा, अध्ययन करने के लिए आपको सोचना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और ऐसे जैसे मान लो कोई चुटकुले सुनोगे, गाने सुनोगे, और कुछ मतलब ये चुटकुले फुटकुले ये देखोगे, तो उसमें तो आपको आनंद ही आएगा, वो भी मतलब दांत निकालेंगे तो आप भी उनके साथ दांत निकालेंगे, बहुत अच्छा टाइम पास हो जाएगा। जो बूढ़ों का काम है, जो वृद्धों का काम है, आपका काम है नहीं है। जो दो विद्यार्थी समझने थे वो विद्यार्थी तो समझ चुके हैं और वो अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं, और जिनके दिमाग में नहीं घुसी, उनके अब 5-7 साल बाद में घुसेगी, जब वो बेरोजगारी की चपेट में आएंगे, जब उनको कोई समाज में पूछने वाला नहीं होगा, उनको देखेंगे नहीं, क्योंकि वो खुशियों में मतलब अपना विकास नहीं कर सके तो दूसरों को तो क्या शिक्षा दे पाएंगे। तो आप ध्यान रखें, ये ऑनलाइन ऑनलाइन जो फालतू का बवंडर मचा रखा है, इसमें आपको ये नहीं सोचना है, घर वालों को भी आप समझाएं, लेकिन देखो विश्वासघात नहीं करना है, माता पिता के साथ विश्वासघात नहीं करना है कि माता पिता ने आपको मोबाइल दे दिया, इसका मतलब आप अलग बैठ करके कुछ
कुछ भी देख रहे हैं कर रहे हैं, और करोड़ों को कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, इस प्रकार का बवंडर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, भविष्य आपका ही खराब होगा या माता पिता का, तो आपसे आशा लगा रखे हैं, वो तो खुश हैं आपको मोबाइल ला दिया, 20,000 का मोबाइल ला दिया, 15,000 का मोबाइल ला दिया, या 10,000 का, जैसी अपनी परिस्थिति है उसके अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। दूसरों की होड़ केवल और केवल ज्ञान में करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बस की बात है, अन्य चीजें हैं वो धीरे धीरे आपके पास में आएंगी। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने क्लास को बहुत शानदार तरीके से देखें, अपने साथियों से मतलब विचार विमर्श भी करें, तो अपनी पढ़ाई से संबंधित विचार विमर्श करें, फालतू की चीजों में विचार विमर्श नहीं करें कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ऐसा करूँ, नहीं। जब आप पढ़ाई करेंगे तब जाकर के आपके लिए कुछ करना संभव होगा, फालतू के हवाई महल बनाने से कुछ नहीं होगा, शेख चिल्ली की जैसे बातें करने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा वो आपकी मेहनत करने से होगा, सारा काम आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा आप अगर पढ़ाई करेंगे, तो आपका आने वाला भविष्य बहुत ज़्यादा सुनहरा होगा, खिलखिलाता हुआ आपका भविष्य होगा, और अपने जीवन का बहुत ज़्यादा आप आनंद ले पाएंगे। और आप देख भी रहे हैं जो विद्यार्थी जिन्होंने केवल अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा है, कि अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के जो जिज्ञासु रहे हैं, वो विद्यार्थी आज बहुत अच्छे पदों पर सुशोभित हैं, और उनका जीवन बहुत ही आनंददायक है। और आप उनको देख लीजिए, पीछे से आप तुलना करके देख लिया करो, अगर कहीं भटक जाओ ना, तो आप तुलना कर लिया करो कि यार ये आदमी इतना खुश कैसे है, आज ये इतना बढ़िया तरीके से अपना जीवन जी रहा है, सारा काम मतलब अपने आप आत्मनिर्भर है, किसी की क्या नहीं है, कोई जरूरत है नहीं है। लेकिन देखो उसकी पिछली हिस्ट्री देखो, उसने बेचारे ने कितनी मेहनत की है, अनर्गल बातों में उसने ध्यान नहीं दिया है, सारा का सारा अपने लक्ष्य के प्रति क्या रहा है वो अग्रसर रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या हुआ है, सफल हुआ है। तो उन विद्यार्थियों से आप तुलना कर लिया करो, बाकी बहुत सारे विद्यार्थी तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, तो वो घूमते फिरते रहे से आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी देखा करो, देखे उनको देखो, और उनको जो आज डॉक्टर इंजीनियर हैं, IAS RAS इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा होगा, एक थोड़ी सी देर बैठ करके आप सोचना कि आप तो पढ़ना ही तो है, और तो कुछ आपको करना ही नहीं है ना, माता पिता भी आपको काम बता रहे हैं, शिक्षक भी आपको काम बता रहे हैं, केवल पढ़ना है, बैठे बैठे पंखा चलाओ, आराम से अच्छी हवा खाओ और पढ़ते जाओ, पूरे दिन भर पढ़ते जाओ, बहुत आनंद आएगा, जैसे ही मन लगाओगे बहुत आनंद आएगा, आप मतलब इतने एकाग्रचित होकर के अगर अध्ययन करोगे, तो इतना ज़्यादा आपका मतलब माइंड पढ़ाई के ऊपर इतना कैचिंग करने लग जाएगा कि आप मतलब खाना भी खा रहे हैं तो सोचेंगे यार थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, और जल्दी काम निपटा करके मैं क्या करूँगा, अपनी पढ़ाई करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको मिलने वाला है। तो देखिए, परंतु समय के साथ घटती जाती है, द्वितीय अवस्था की हम बात कर रहे हैं, जननांगिकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो प्रारंभ में प्रजनन दर ऊंची होती है, और समय के साथ क्या होती जाती है, घटती जाती है, धीरे धीरे ये प्रजनन दर क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि जैसे ही व्यक्ति अपनी जननांगिकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रारंभिक अवस्था से, यानी प्रथम अवस्था से, जैसे जैसे ही द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अवस्थाओं की ओर जाएगा, उसमें सारा परिवर्तन आता रहेगा, जन्म दर भी कम होती जाएगी, मृत्यु दर भी कम होती जाएगी, जनसंख्या वृद्धि कम होती जाएगी, आर्थिक विकास बढ़ता जाएगा, सामाजिक जो परिवेश है वो उसका परिवर्तित हो जाएगा, रहन-सहन परिवर्तित हो जाएगा, सब जो पहलू हैं वो उसके धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, विकसित होते जाएंगे, मृत्यु दर में भी क्या आएगी, कमी आएगी। दूसरी विशेषता क्या है, मृत्यु दर में भी क्या होगी, कमी होगी। कारण क्या है, देखो यहाँ द्वितीय जो जननांगिकीय संक्रमण सिद्धांत की जो द्वितीय अवस्था है, इसमें प्रजनन दर और मृत्यु दर दोनों के घटने का कारण क्या है, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में और स्वच्छता में सुधार। देखो स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में विज्ञान का विकास हुआ, और विज्ञान का विकास होने के कारण बहुत प्रकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, किसी भी महामारी जो थी, बीमारियां जो थी, उनके ऊपर क्या कर लिया गया, नियंत्रण कर लिया गया, तुरंत उनको मतलब क्या कर लिया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है। देखो बहुत बड़ी महामारी जो विश्व महामारी जो आई थी कोरोना 19, और उसको हमारे भारत ने भी बहुत शानदार तरीके से क्या कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, लेकिन इसमें हमें भी अपना साथ देना जरूरी है, हम भी अपना स्वास्थ्य का ध्यान तो देखो अपन ही रखें, तो मास्क वगैरह लगाना, सैनिटाइज करना, ये अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है, इसमें नादानी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने शरीर की
बात है, अपने स्वास्थ्य की बात है, ये दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। आप सब काम ये अपने लिए कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं तो दूसरे के लिए नहीं लगा रहे हैं, स्वयं के लिए, कि फालतू के कीटाणु वगैरह आपके मुंह में प्रवेश ना करें। स्वच्छता में क्या हो गया है, सुधार हो गया है, बहुत ज्यादा साफ सफाई के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, स्वच्छ भारत हमारा। और कितना जो हमारा स्वास्थ्य है, फालतू की जो कीड़े मकोड़े, फालतू की जो बीमारियां थी, कीटाणु थे, उनसे सबसे क्या साफ रहने से सारा छुटकारा मिल जाता है, तो बीमारियां होंगी ही नहीं। बीमारियां नहीं होंगी तो मृत्यु नहीं होगी। और जन्म दर मानव के हाथ में है कि जन्म दर को घटाना तो ये तो मानव का काम है, लेकिन मृत्यु दर को घटाना भी किसका काम है, मानव का ही काम है। लेकिन इन सुविधाओं में विस्तार हुआ, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में विस्तार हुआ, स्वच्छता में सुधार हुआ, और मृत्यु दर भी कम हो गई, जन्म दर भी कम हो गई। आगे देखो क्या रहा। यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी है कि यहाँ जनसंख्या वृद्धि क्या है, बहुत ही तीव्र है। जनसंख्या वृद्धि क्या है, यहाँ बहुत ही तीव्र है। जनसंख्या वृद्धि तीव्र, इसे जनसंख्या का विस्फोट या इसको जनसंख्या की क्या कहा जाता है, संक्रमण अवस्था भी कहा जाता है। देखो पहले जनसंख्या वृद्धि क्या थी, धीमी थी, लेकिन यहाँ अभी हमने बात की ना कि यहाँ प्रारंभ में प्रजनन दर क्या रहती है, ऊंची रहती है। प्रारंभ में प्रजनन दर क्या रहती है, ऊंची रहती है, तो जनसंख्या बढ़ जाती है, मृत्यु दर तो कम हो जाती है, लेकिन शुरू शुरू में प्रजनन दर ज्यादा रहती है, और प्रजनन दर ज्यादा रहने के कारण जनसंख्या एकदम से क्या हो जाती है, विस्फोटित हो जाती है। मरने वालों की संख्या तो कम हो गई, लेकिन जन्मने वालों की संख्या कम नहीं हुई। इसमें लोग नहीं समझ पाए, जो हमारे जनसांख्यिकीय विशेषज्ञ थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने सबने समझाने की कोशिश की, लेकिन देखो सारा जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे समझ में बैठती है। और उन्होंने शुरू में ध्यान नहीं दिया जन्म दर के ऊपर, और जन्म दर बहुत ज्यादा बढ़ती गई, तो जनसंख्या एकदम से मतलब बढ़ गई, मृत्यु दर तो कम हो गई, और जन्म दर ऊंची रही, शुरू में ऊंची रही, तो जनसंख्या में क्या हुआ, एक तरह से विस्फोट हुआ, यानी बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि हो गई। इसलिए जो जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत है, इस जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था को क्या कहा जाता है, जनसंख्या का विस्फोट या संक्रमण अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद में आ जाओ, इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। जनसंख्या का विस्फोट या संक्रमण अवस्था किसको कहा जाता है, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था को जनसंख्या का विस्फोट या संक्रमण अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जो देश थे, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में जो गुजरने वाले देश थे, वो देखो कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे थे। देखो बेरोजगारी, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा थी ना इसमें, तो बेरोजगारी होगी होगी, स्वाभाविक बेरोजगारी का सामना कर रहे थे। शिक्षा का भी ज्यादा प्रसार प्रसार नहीं हुआ था, और जनसंख्या ज्यादा होने के कारण सबको शिक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, अशिक्षा का सामना कर रहे थे। बुनियादी सेवा है ना, बुनियादी जो सेवा है उनकी कमी, बुनियादी सेवाओं का मतलब जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी कमी थी। रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना है, अच्छा मतलब वातावरण उपलब्ध होना, इन सब सुविधाओं की कमी थी। और इसी के साथ साथ खाद्यान्न की कमी का भी क्या कर रहे थे, वो सामना कर रहे थे। तो ये जो जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत है, इसकी द्वितीय अवस्था की क्या है, मुख्य विशेषताएं हैं, इनको आप नोट कर लें। आइए आगे उदाहरण देखिए, वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में कौन से देश जो हैं वो जनांक के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं और मैप में भी भरने हैं। वर्तमान में कौन कौन से देश, एक तो अफ्रीका, इसके अलावा जो मध्य अमेरिका या लेटिन अमेरिका है, एक म्यांमार है, एक लाओस है, इंडोनेशिया है, और ईरान है, और सऊदी अरब है। ये सारे के सारे वर्तमान समय में जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में है, द्वितीय अवस्था में। नेक्स्ट नीचे नोट लगा करके आप लिखेंगे कि जो हमारा भारत था, ये इस अवस्था में कौन से कब प्रवेश कर गया था, 2021 में। हमारा जो भारत था, ये 1921 में, सॉरी, हमारा जो भारत था वो 1921 में, भारत जो है ये 1921 में क्या कर गया था, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर गया था। हमारा जो भारत है वो 1921 में जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर गया था। वर्तमान में कौन सी अवस्था में है, तृतीय। ध्यान देंगे, यहाँ केवल आपको ये बताया गया है कि भारत कब 1921 में, कब 1921 में जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में था।
वर्तमान में, यानी 1991 से अब वर्तमान तक कौन सी अवस्था में है? तृतीय अवस्था में है, और 1921 के अंत तक है, ये 2021 के अंत तक है वो भारत है, वो चौथी अवस्था में क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। हम विकसित होने की ओर अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये था आपकी जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था। अब इसमें मैप है, वो आपको मैं भरवाऊंगा अभी, आगे अपना मैप साथ रखेंगे, ये आपके नोट्स हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे, समझ गए? अब ये जो है ना अपने एग्जाम्पल, इनको हम उसमें देखेंगे मैप में, भाई अफ्रीका कहाँ है वैसे पता है आपको, तो मैप भरना जरूरी है। द्वितीय अवस्था का अलग मैप भर लेना, प्रथम का अलग भर लेना, तृतीय का अलग, चतुर्थ का अलग और पंचम का अलग। देखिए आगे, पहले देखो इंडोनेशिया, ये जो आपका रेड कलर से दिखा रखा है ना, ये सारा इंडोनेशिया है, ये क्या है? इंडोनेशिया है, ये पूरा का पूरा ही यहाँ मैप में भर लेंगे अच्छी तरह से, पता है आपको ये इंडोनेशिया भरना है। इसके बाद में देखो लाओस, ये आ गया ना, ये लाओस आ गया है आपका, जो कौन सा है, ये एशिया महाद्वीप में है, यहाँ वियतनाम है, ये तो वियतनाम है, और इस वियतनाम के पास में ये क्या है? लाओस है, मैप में भरेंगे इसको, वियतनाम के पास में क्या है? ये लाओस है, इसको आप मैप में भर लेंगे। ये वाला जो रेड दिखाई दे रहा है ना, इसमें आप देख लेंगे अच्छी तरह से मैप में, पता चल जाएगा वैसे आपको। अब कई विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने 11वीं में खरीदा ही नहीं, वो तो देखो थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन फिर भी अगर वो साथ साथ अब भी एटलस खरीद लेंगे और मेरे साथ साथ मैप को तैयार करेंगे, तो आपको बहुत आनंद आएगा, मैप आपके साथ साथ याद होते जाएंगे। ये लाओस भरना है। इसके बाद में देखिए आगे, यहाँ ये आपका विश्व मैप दिखाया गया है, इस विश्व मैप में आपका एक तो रह गया अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप रह गया? ये तो अफ्रीका महाद्वीप है, ये वाला महाद्वीप है, ये भी वर्तमान समय में जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में गुजर रहा है। और एक है आपका लेटिन अमेरिका, यहाँ आपका लेटिन अमेरिका है, इस लेटिन अमेरिका को आप यहाँ भर लेंगे मैप में देख करके। तो इसके अलावा और कौन सा रह गया? इंडोनेशिया आ गया, ईरान आ गया, ईरान के पास में या सऊदी अरब मिलेगा, जो ईरान है ना, देखो एग्जाम्पल में म्यांमार है, बांग्लादेश, इसके पास में म्यांमार है, लाओस आएगा, इंडोनेशिया आएगा, ईरान है ना, ईरान और सऊदी अरब, ये आपको ईरान और सऊदी अरब, देखो यहाँ ये सऊदी अरब है, ये सऊदी अरब है, और इसी के पास में यहाँ वाला ये ईरान है, इधर वाला फिर क्या है? इराक है। तो इसका आप मैप में ईरान को और इराक को इनको भर लेंगे। अब बात करो तृतीय अवस्था की, आ गया हो कौन सी अवस्था में आ रहे हैं? देखो तीसरी अवस्था में, किसकी तीसरी अवस्था? जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था? तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था की विशेषता देखो, देखो जन्म दर मृत्यु दर द्वितीय अवस्था से कम होने लग गई, भाई द्वितीय अवस्था की प्रारंभ में तो जन्म दर उच्च थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गई? फिर वो कम होने लग गई। तो जन्म दर और मृत्यु दर में कमी, तृतीय अवस्था में देखो पहली विशेषता क्या हुई? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही कमी हो जाएगी। यहाँ तृतीय अवस्था में ह्रास की प्रवृत्ति है, जनसंख्या वृद्धि में क्या होने लगेगा? ह्रास होने लगेगा। ह्रास होने का मतलब जनसंख्या वृद्धि घटती जाएगी, जनसंख्या वृद्धि कम होती जाएगी। फिर क्या होगा? साक्षरता में प्रसार है ना, लोगों की शिक्षा में वृद्धि होगी, साक्षरता में क्या होगा? प्रसार होगा, और लोग क्या समझ जाएंगे? छोटा परिवार रखना समझ जाएंगे, छोटे परिवार के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, ये जनसंख्या ज्यादा वृद्धि नहीं करनी है, तो छोटे परिवार के प्रति क्या बढ़ेगी? जागरूकता बढ़ेगी, ये विशेषता हो गई। उदाहरण देख लो यहाँ, उदाहरण में पूर्वी यूरोप, यानी जो हमारा यूरोप महाद्वीप है ना, इस यूरोप महाद्वीप के यहाँ रूस वाले जो देश है ना, रूस के पास वाले देश हैं, इधर आप देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप में तो इधर तो क्या जाएगा? रूस आ जाएगा, है ना, जो यूरोप में एशिया दोनों में है, और इसके पास इधर वाले जो देश हैं, यहाँ पास पास वाले जो देश हैं, ये पास पास वाले देश किसके अंतर्गत आएंगे? पूर्वी यूरोप के अंतर्गत आएंगे। तो मैप में देख लेंगे, इसको भी बता दूंगा। एक जो सेंट्रल एशिया है अपना, मध्य एशिया, मध्य एशिया में जो आपका पूरा का पूरा जो एशिया महाद्वीप है, और इस एशिया महाद्वीप में यहाँ आपको ये सारे, एक तो स्थान ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे मध्य एशिया में आते हैं। चीन आपको पता है, मैप में देखो चीन भर लेंगे आप आसानी से, चीन आएगा। किसकी बात कर रहे हैं? जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था की बात कर रहे हैं। इजराइल है, पुर्तगाल है, न्यूजीलैंड है, स्पेन है और चिली है। तो देखिए ये आपको मैप में आपको भरने हैं। चलो आगे इसका मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार से भरने हैं, ये उतार लेंगे आप। वीडियो को पॉज करके उतारने की आप आदत डालो, जिससे आपको समझ में भी आएगा क्या पढ़ा रहे हैं, वो सारी बातें आपके रूटीन में आएंगी। चलिए आगे, ये तो है आपका सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया, ये कौन सा एशिया है? मध्य एशिया। देखो यहाँ
इस मध्य एशिया में आपको ये सारे देख लेने हैं। इस मध्य एशिया में धरती अवस्था में मध्य एशिया है, इसमें देखो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, और यहाँ यह आपका पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, तजाकिस्तान, तैजाकिस्तान है, और ये आपका क्या है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, यह है आपका उज्बेकिस्तान, और ये कजाकिस्तान। ये किसके अंतर्गत आएगा, सेंट्रल एशिया में, किसके अंतर्गत आएगा ये मध्य एशिया में, ये देश भर लेना आप बस। इसके बाद में देखो आगे, ये आपका आ गया इजराइल। देखो केवल हम यही नहीं बात करेंगे, इसके साथ साथ हम मैप में अन्य बातों को भी आप देखते जाएं। देखो जैसे ये क्या है, आर्कटिक ओशियन, यानी आर्कटिक ओशियन का मतलब क्या है, आर्कटिक महासागर, बात हुई थी ना कक्षा 11 में, हमने बहुत पढ़ा था आर्कटिक महासागर। फिर देखो यहाँ देखो सागर, देखो छोटे से यहाँ देखेंगे मैप, भरेंगे इनको साथ साथ, भरेंगे भी नहीं तो देख तो लेंगे ही कम से कम कि भाई काला सागर कहाँ है, कैस्पियन सागर कहाँ है, उरल सागर कहाँ है। तो देखो ये कौन है, ये वाला जो पानी है, ये वाला जो पानी है, ये काला सागर है, ये क्या है, काला सागर है, ये कौन सा है, कैस्पियन सागर है, मैप में आपको अच्छी तरह से मिलेगा, ये कौन सा है, उरल सागर है, ये कौन सा है, भूमध्य सागर है, ये कौन सा है, अरब सागर है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है, अदन की खाड़ी, कौन सी, देखो ये रही, ये जो इतना सा पानी है ना, ये क्या है, अदन की खाड़ी है। इसके बाद में ये जो है, ये पानी, ये क्या है, लाल सागर, क्या है, लाल सागर। देखो इतनी बातों की जानकारी हुई। इसके बाद में देखो इंडियन ओशियन, ये क्या है, हिंद महासागर, ये पानी क्या है, हिंद महासागर, इधर ऑस्ट्रेलिया में आदि पाए गए, ये क्या है, प्रशांत महासागर, ये क्या है, इक्वेटोर, देखो मध्य रेखा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इक्वेटोर, मीनिंग याद कर लेना, EQUAT O R। तो इतनी सारी आपको चीजें मैप में देखनी है, अलग से एक एक्स्ट्रा मैप रखा करो, जैसे मैंने बोला वैसे वैसे भर दिया, बस याद आता जाएगा आपको। भरना क्या है, यहाँ धरती अवस्था में इजराइल, यहाँ देखो भूमध्य सागर के पास में, यहाँ ये एरो कर रखा है ना, इस प्रकार से ये एरो कर रखा है, यहाँ आपको कौन मिलेगा, इजराइल मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे, ये है पुर्तगाल, ये कौन सा आ गया, पुर्तगाल आ गया, ये तो है स्पेन, ये तो क्या है, स्पेन, और स्पेन के पास में कौन है, ये पुर्तगाल है, ये भी जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की धरती अवस्था में है, ये पुर्तगाल है। बाकी और अभी मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारे आपको देश रही आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में देखो ये है आपका न्यूजीलैंड, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये देखो ये कौन सा सागर है, कोरल सागर, ध्यान देंगे कौन सा सागर है, कोरल सागर, ये ऑस्ट्रेलिया के पास में भरा हुआ पानी है ना, ये क्या है, कोरल सागर, ये कौन सा सागर है, यहाँ छोटा जो पानी का जो कम है, थोड़ा सा पानी होता है ना, उसको सागर कहते हैं, और तीन तरफ से घिरा हुआ वो खाड़ी कहते हैं, पानी जो तीन तरफ से घिरा हुआ वो खाड़ी कहते हैं, बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ वो महासागर कहते हैं, थोड़े कम क्षेत्र में फैला हुआ हो, दो भूखंडों के बीच में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, उसको सागर कहते हैं, कौन सा सागर है, तस्मान सागर, और इस तस्मान सागर के पास में ही कौन है, ये है आपका न्यूजीलैंड, जो क्या कर रहा है वर्तमान में जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में, तृतीय अवस्था में चल रहा है। इसके बाद में जापान, ये भी कौन सी अवस्था में है, जापान, देखिए जापान, अब देखो ये पूरा का पूरा जापान है, ये पूरा का पूरा ही क्या है भाई, ये सारा का सारा ही जापान है, देखो ये रहा, ये पूरा का पूरा क्या रहा, ये जापान है। अब ये जापान है वो अलग अलग द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, इसमें देखा था ना मुझे तृतीय अवस्था है, इसके आपके एग्जाम्पल देखे थे, पुर्तगाल आ गया था, यहाँ जापान लिख लेना आप, मैंने यहाँ जापान नहीं लिखा है, तो ये जापान भी वर्तमान समय में कौन सी अवस्था से गुजर रहा है, जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था से गुजर रहा है, इसको भी याद रख लेना, ये आपका जापान हो जाएगा, ये रहा, ये क्या है, जापान है। अब देखो जापान में आपको कौन कौन सी चीज याद करनी है, ये जो जापान है ना, इसे ये जापान है, ये चार द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, जापान कितने द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, चार द्वीप है, ये तो है, एक तो है ये क्यूशू, कौन सा द्वीप है ये, क्यूशू, यहाँ नाम जो लिखा हुआ है ये क्यूशू है, ये पूरा का पूरा क्यूशू है, ये जो द्वीप है ये क्यूशू द्वीप है, ये जो द्वीप है ना ये द्वीप है, चार छोटे छोटे अलग अलग भूखंड है, और ये सारे जापान में आते हैं, ये से पूरा का पूरा ही जापान है, ये पूरा का पूरा ये क्या है, जापान, अपने मैप में देखेंगे इतना, ये पूरा का पूरा क्या है, जापान है, विकसित देश है भाई, एशिया महाद्वीप का छोटा सा देश है, लेकिन क्या है,
विकसित है। और भी खास बात है इसकी, एशिया महाद्वीप का छोटा सा देश है, विकसित देश है, और विकसित भी किसके आधार पर है, ध्यान देना, तकनीकी के आधार पर, केवल प्रौद्योगिकी के आधार पर। क्या है ये? विकसित देश है, दूसरे देशों से कच्चा माल लेता है और प्रौद्योगिकी के आधार पर, तकनीकी के आधार पर उनका रूप परिवर्तित करके ये उनको तैयार माल देता है। और किसके आधार पर? तकनीकी के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर विकसित देश है। इसके चार द्वीप समूह है, जापान के मुख्य रूप से चार द्वीप समूह है। ये तो कौन सा है? क्यूशू। ये तो कौन सा है? क्यूशू है। इसके बाद में ये है सीकोकू। क्या नाम है इसका? सीकोकू। और इसके बाद में सबसे बड़ा जो द्वीप है ना जापान का, वो कौन सा है? होनसू है। देखो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक वाला जो द्वीप है ना, ये सारा का सारा मतलब होनसू ही है। ये पूरा का पूरा कौन सा है? ये होनसू है। ये रहा यहाँ होनसू, तो ये होनसू है। और ये जो द्वीप है, ये इतना सा, आते सारे जापान में ही है, ये जो सारा इतना सा जो द्वीप है ना, ये कौन सा है? होकेडो। ये क्या है? होकेडो द्वीप समूह है। तो जापान जो है वो मुख्य रूप से चार द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। चार इसके मुख्य द्वीप हैं। पहला क्यूशू है, इसके बाद में सीकोकू है ना, इसके बाद में होनसू, हो आधा ने सू होनसू, और फिर कौन सा है? होकेडो। कौन सा है? होकेडो। और देख लो ये क्या है, जापान सागर है इसी के पास में। ये तो आपको मैप में बना ही है। ये क्या है? ये देखो, ये जापान सागर है। यहाँ वाला जो पानी है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? जापान सागर है। इधर वाला जो पानी देखो, ये पीला सागर है। ये कौन सा है? पीला सागर कहाँ है? पीला सागर देखो, ये तो कौन है? उत्तरी कोरिया। और ये कौन है? दक्षिणी कोरिया। दोनों ही बदमाश देश है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों ही मतलब क्या है? बदमाश देश है। जैसे कहते हैं ना कि बदमाश टिंगर है, वैसे ये दोनों बहुत ही बदमाश देश हैं। और इसके बाद में इसी का भाईला ये देखो चाइना है। ये कौन है? चाइना है। और इनके पास में ये जो पानी भरा हुआ है, ये कौन सा है? पीला सागर, येलो सागर। तो ये मैप में आपको तो भरना क्या है? जापान। एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट आई स्पेन, भर लेंगे। अभी हमने देखा था, ये तो देखो पुर्तगाल है, और इसके पास वाला देश कौन सा है? स्पेन है। इसके ऊपर वाला कौन सा है? फ्रांस है। दोनों जुड़े हुए ऐसे याद हो जाएगा, फ्रांस, फ्रांस के नीचे स्पेन, स्पेन के पास में कौन है? पुर्तगाल है। इसके नीचे फिर मोरक्को है। इधर चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मोरक्को मिलेगा। यहाँ ये खाड़ी भरना भाई, याद रखना, इसको क्या कहते हैं? बिस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बिस्के की खाड़ी है। फिर इधर ये भूमध्य सागर आएगा। आगे देखो चिल्ली, कौन है ये? चिल्ली। देखो चिल्ली का मतलब अंग्रेजी में चिल्ली क्या होती है? मिर्ची। अंग्रेजी में चिल्ली का मतलब क्या होता है? मिर्ची। और ये जो चिल्ली देश है, इसकी भी आकृति किससे मिलती जुलती है भाई? मिर्ची से। किसकी जैसे है इसकी आकृति? देखो मिर्ची ऐसी तो होती है, इसको हम पेड़ के लगा देंगे तो ये आपकी बिल्कुल क्या बन जाएगी? मिर्ची बन जाएगी। ऐसे अगर आप इसको पेड़ के लटका देंगे तो ये बिल्कुल क्या बन जाएगी? मिर्ची बन जाएगी। तो चिल्ली जो देश है, इस चिल्ली की आकृति किससे मिलती जुलती है? मिर्ची से। चिल्ली की आकृति किससे मिलती जुलती है भाई? मिर्ची से मिलती जुलती है। तो ये चिल्ली है। कौन सा देश है ये? महाद्वीप कौन सा है? साउथ अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप है, और इस अफ्रीका महाद्वीप का चिल्ली जो है, वो जन्नाकी के संक्रमण अवस्था की तटीय अवस्था से गुजर रहा है। आ गया हूँ, अब हम बात करेंगे। एक नोट पढ़ना यहाँ, नोट क्या है? भारत है। अब देखो भारत वर्तमान में कौन सी अवस्था में है? तृतीय अवस्था में ही है। भारत वर्तमान में जननांगिक के संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में है? तृतीय में। कब प्रवेश किया था? 1991 में। भारत है, भारत ने 1991 में जननांगिक के संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में प्रवेश कर लिया था? तृतीय अवस्था में प्रवेश कर लिया था। आज भी भारत है वो जननांगिक के संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में है? तृतीय अवस्था में ही है, ध्यान रखना। चतुर्थ में नहीं गया अभी, 2021 के अंत तक जाएगा, अभी तृतीय में चल रहा। आओ आगे चतुर्थ अवस्था की हम बात करेंगे। चतुर्थ अवस्था क्या क्या विशेषता है? देखो जन्म दर और मृत्यु दर तो अब तो कम ही होती जाएंगी, आगे चौथी में और कम हो जाएगी, पांचवी में और कम हो जाएगी। केवल जन्म दर मृत्यु दर जननांगिकी के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च है। बाद में दूसरी अवस्था में प्रारंभ में जन्म दर थोड़ी सी उच्च है, बाद में धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? घटने लग जाती है। जनसंख्या वृद्धि क्या हो गई है यहाँ? स्थिर, न बढ़ रही है न घट रही है, यानी जनसंख्या वृद्धि लगभग क्या हो जाएगी यहाँ? स्थिर हो जाएगी। फिर क्या संकेत होगा? विकसित समाज की विशेषता,
जनांगी के संक्रमण सिद्धांत की चौथी अवस्था में समाज क्या हो जाता है? बिल्कुल विकसित हो जाता है, अपनी आदिम अवस्था से उठ करके विकसित अवस्था की ओर क्या हो जाएगा, अग्रसर हो जाएगा। तो विकसित अवस्था की क्या है विशेषता है, जनसंख्या वृद्धि क्या है स्थिर है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है निम्न है। उदाहरण देखो, वर्तमान में एक तो कौन सा है सिंगापुर, कौन है वर्तमान में सिंगापुर है, ये किसके अंतर्गत है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की चतुर्थ अवस्था में। सिंगापुर को देख लेंगे, तो एक हांग कांग कौन सा देश है, हांग कांग, और एक कौन सा है पश्चिमी यूरोप, ये वर्तमान में क्या है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, तृतीय अवस्था में। फिर आपको ध्यान रखना है जो हमारा भारत है ना, ये भारत भी नोट आ गया आएगा वहां लिख लेंगे या यहाँ लिख लेना, नोट लगा करके लिख लो 2021 के अंत तक, कब तक 2021 के अंत तक जो भारत है वो किस में प्रवेश कर जाएगा, जननांगिकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। अब देखो मैप में देख लो, ये तो है सिंगापुर, ये क्या दिखाया गया है आपको, यहाँ भरना है भाई सिंगापुर, देखो कहाँ भरना है, ऐसे एरो आ रहा है ना, ये ऐसो ऐसे करके एरो आ रहा है, तो यहाँ दर्शाया गया ये सिंगापुर है, बहुत ही शानदार और मनोरम दृश्य वाला देश है ये सिंगापुर है, यहाँ आपको सिंगापुर बना। ये तो इंडोनेशिया ही सारे जहाज है ना, ये इधर से सारे जाने वाले जहाज हैं वो इधर से होकर के जाना पड़ता है इनको, है ना, सिंगापुर में जाकर के इनको सबको टैक्स दे करके जाना पड़ता है, इसलिए सिंगापुर वाले बिल्कुल माला माल हैं, ऐसे घुस करके इनके बीच में पानी है, फिर ऐसे जा करके ऐसे, है ना, ऐसे जा करके ऐसे जा करके फिर इधर ये जाते हैं चीन की तरफ, और इधर ये जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे जापान वगैरह ऐसे जाएंगे, है ना, भारत से हम जा रहे हैं, है ना, इधर विशाखापट्टनम से ऐसे जा रहे हो तो आप ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जा करके आप पहुँचोगे, तो ऐसे आप ये सिंगापुर से होते हुए आप निकले, यहाँ बंदरगाह हैं। तो चतुर्थ अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है, चतुर्थ अवस्था में, पूरा देख लो ऐसे पूरा का पूरा, ये ऐसे दिखाया गया ना पीले कलर से, पूरा का पूरा ऐसे सिंगापुर है ना, इसके नीचे भी इंडोनेशिया है, इसके नीचे आगे देखो हांगकांग, ये हांगकांग कहाँ मिलेगा आपको, देखो एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के बाद में यहाँ इधर चाइना है, ये क्या है चाइना है, और इस चाइना के पास में क्या है यहाँ हांगकांग है, अभी हमने बात की थी ना, यहाँ तो क्या है देखो इंडोनेशिया है, यहाँ क्या हो गया सिंगापुर हो गया, अरे इसके बाद में ये हमारा भारत है, भारत के आप इधर चलोगे तो बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे यहाँ मिलेंगे आपको, इसके पास में यहाँ देखेंगे आपको क्या मिलेगा हांगकांग, यहाँ क्या मिलेगा हांगकांग, ऐसा मिलेगा ये हांगकांग, ये पूरा का पूरा हांगकांग मिलेगा, है ना, और इसके देखो इधर तो क्या मिलेगा आपको, ये खाड़ी है मेरिस की खाड़ी, ये डीप बे है गहरी खाड़ी है ना, और ये साउथ चाइना सी है नीचे, इसके दक्षिणी चीन महासागर, दक्षिणी चीन महासागर के ऊपर और चीन के साथ सटता हुआ हांगकांग है। आओ आगे, ये नोट लिख लिया था ना आपने पहले, वही लिख लेना कि जो भारत है वो 2021 के अंत तक, भारत है वो 2021 के अंत तक कौन सी अवस्था में प्रवेश कर जाएगा, चतुर्थ अवस्था में, जननांगिकीय संक्रमण सिद्धांत के कौन सी अवस्था में प्रवेश कर जाएगा, चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। अब हम बात करेंगे पंचम अवस्था की, किसकी बात करेंगे पंचम अवस्था की, पंचम अवस्था की देखो विशेषता, ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था कोलिन क्लार्क के अनुसार, किसके अनुसार कोलिन क्लार्क क्या कहते हैं कि जननांगिकीय संक्रमण सिद्धांत की जो पंचम अवस्था है ये मतलब क्या है ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था है, कि वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि न होकर के जनसंख्या के अंदर क्या आएगी कमी आएगी, जनसंख्या की वृद्धि न होकर के जनसंख्या में क्या आने लग जाएगी पंचम अवस्था में कमी आने लग जाती है, तो ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था है ये भाई, जनसंख्या घटती जाएगी पंचम अवस्था में, जनसंख्या घटती जाएगी इस अवस्था में, मृत्यु दर तो निम्न होती ही होती है, देखो मृत्यु दर जन्म दर दोनों ही निम्न होती जाएंगी, द्वितीय के बाद में ही निम्न होती जाएंगी, तृतीय में और निम्न हो जाएंगी, चतुर्थ में और ज्यादा निम्न हो जाएंगी, पंचम में तो बहुत ज्यादा निम्न हो जाएंगी, परंतु पारिवारिक संस्था, पारिवारिक जो संस्थाएं हैं एवं विवाह जैसे मूल्यों का क्या हो रहा है या पतन हो रहा है, तो पारिवारिक संस्था और विवाह जैसे मूल्यों का पतन होने के कारण जन्म दर जो है ये मृत्यु दर से भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, लोग समाज को स्वीकार करना कम कर देंगे, समाज की नहीं मानेंगे, पारिवारिक के जो संस्थाएं हैं पारिवारिक जो मूल्य हैं उनका पतन हो जाएगा, केवल और केवल किसका ध्यान रखेंगे विकास का ध्यान रखेंगे, अच्छा खाना अच्छा पहनना अच्छा रहना और सब कुछ को भूल चुके होंगे, तो वो पंचम अवस्था होगी, और इस पंचम अवस्था के अंतर्गत
जो व्यक्ति यानी जनसंख्या है इसकी मृत्यु दर तो कम है ही, मृत्यु दर कम होने के साथ साथ जन्म दर और भी ज्यादा कम हो जाएगी। मर तो रहे हैं, उसके साथ साथ जन्मने वालों की संख्या और भी कम हो जाएगी। इसका मतलब जनसंख्या बढ़ने वृद्धि न करके जनसंख्या क्या हो जाएगी, जनसंख्या का ह्रास होने लग जाएगा। अत्यधिक विकसित एवं तकनीकी समाज का द्योतक है ये जो जनांगिकीय संक्रमण सिद्धांत है। ये मतलब क्या होगा, अत्यधिक विकसित और तकनीकी लोग बहुत ज्यादा विकसित हो जाएंगे और बहुत ज्यादा उनमें टेक्निकल दिमाग आ जाएगा, बहुत ज्यादा तकनीकी। समाज का क्या है, ये द्योतक है, यानी आदमी विकसित हो रहा है तकनीकी में अग्रसर हो रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे कौन सी अवस्था में जा रहा है, पंचम अवस्था में जा रहा है। लेकिन देखो समस्या भी है इसकी, क्या है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है, जातीय संहार। जातियों का संहार हो जाएगा या जात पात है वो सब मिटा दी जाएंगी, कौन किस जात का आदमी है उसका संहार हो गया। या इसको जननांगिकी यानी जनसंख्या का क्या कहा जाता है, अपरदन भी कहा जाता है। जैसे मिट्टी का अपरदन होता है ना, धीरे धीरे कटाव होने शुरू हो जाते हैं, मिट्टी में धीरे धीरे कटाव होना शुरू हो जाता है, जिसको हम मिट्टी का अपरदन कहते हैं। तो मिट्टी के अपरदन से क्या होती है, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आएगी, मिट्टी में कमी आएगी। तो यहाँ जननांगिकी के संक्रमण सिद्धांत की जो पंचम अवस्था है, इस पंचम अवस्था को भी क्या कहा जाता है, जननांगिकी की अपरदन की अवस्था कही जा सकती है। अब देखो वर्तमान में कौन कौन से देश, एक तो स्विट्जरलैंड, एक बेल्जियम और एक आइसलैंड। ये एग्जाम्पल आप देख लेंगे कि वर्तमान में स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम और आइसलैंड जो हैं, ये जननांगिकी की संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में, पंचम अवस्था में। कौन सी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, ये पंचम अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। अब वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लो, एग्जाम्पल में मैप में देख लो। यहाँ तो है स्विट्जरलैंड, ये तो कौन सा दिखाया गया आपको, देखो ये स्विट्जरलैंड है यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप है ना, इस यूरोप महाद्वीप में यहाँ है भाई, ये मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड। देखो ये तो क्या है, फ्रांस है, ये क्या है, स्पेन है, ये क्या है, पुर्तगाल है, इसी के बाद में ये अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को, ये जो देश है कौन सा है, मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का है। और यहाँ ये है, ये कौन सा है, स्विट्जरलैंड। यहाँ ये कौन सा है, ये स्विट्जरलैंड है, इसको मैप में देख लेंगे, यहाँ मिलेगा, ये इटली है, ये क्या है, इटली है। आगे देखो ये बेल्जियम, देखो ये फ्रांस आ गया, फ्रांस के साथ में कौन आ गया, बेल्जियम आ गया। हाँ, और इसके बाद में यहाँ लग्जमबर्ग है, ये कौन सा देश है, लग्जमबर्ग है। और ये क्या है, नीदरलैंड है, ये कौन सा है, नीदरलैंड है। और इसके पास में इधर कौन सा देश रह गया, जर्मनी, यहाँ किधर रेड जेल, जर्मनी आ गया। हो ये कौन सा है, आइसलैंड, ये कौन सा है, आइसलैंड। तो इनको सबको आपको मैप में भरना है। और ये जननांगिकी के संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में, पंचम अवस्था में, कौन सी अवस्था में गुजर रहे हैं, ये पंचम अवस्था में गुजर रहे हैं। इसके बाद में आपको ये रेखा चित्र तैयार करना है, जननांगिकीय संक्रमण अवस्था का रेखा चित्र आपको बनाना है। पांच अवस्थाएं हैं, तो इधर तो है समय, ऐसे तो चल रहा है समय, ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ये तीसरी है और ये चौथी है। ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये तो जन्म दर की है, और ये वाली जो लाइन है डोटेड लाइन, ये किसकी है, मृत्यु दर की है। इधर है वो क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर है ना। देखो यहाँ यहाँ जन्म दर क्या है, निम्न है, इसके बाद में क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसके बाद में क्या होती जा रही है, यहाँ मध्यम हो गई, और इसके बाद में क्या होती जा रही है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे बढ़ती जाएगी। तो देखो ये देखो यहाँ, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो, जन्म दर मृत्यु दर दोनों ऊंची हो गई ना। और कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं, जननांगिकी के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था, कौन सी अवस्था है, ये प्रथम अवस्था है। और इस प्रथम अवस्था में ये देखो जन्म दर भी ऊंची है और मृत्यु दर भी क्या है, ऊंची है। इसके बाद में देखो द्वितीय अवस्था में, देखो द्वितीय अवस्था में देखो जन्म दर जो है वो प्रारंभ में तो ऊंची है, द्वितीय अवस्था में देखो प्रारंभ में क्या है, ऊंची है। लेकिन देखो आगे समय के साथ साथ, समय बढ़ रहा है ना आगे, ऐसे समय के साथ साथ देखो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। यही तो पढ़ा था कि जननांगिकी के संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में जन्म दर ऊंची होती है, इसके बाद में धीरे धीरे क्या होती जाती है, घटती जाती है। जबकि मृत्यु दर तो क्या होती है, शुरू से ही घटती हुई है। देखो ये मृत्यु दर है, ये तो प्रारंभ से ही क्या है, देखो घटती हुई है, घटी रही है ना, द्वितीय अवस्था में ऐसे भी घट रही है, ऐसे घट रही है। तो ये मृत्यु दर कौन सी अवस्था हो गई है, द्वितीय अवस्था, कौन सी अवस्था हो गई, द्वितीय अवस्था। तो द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर क्या हो गई, निम्न हो गई, मृत्यु दर क्या हो गई, निम्न हो गई। और जो द्वितीय अवस्था के अंदर जो जन्म दर है ये क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। जन्म दर देखो, ये जन्म दर क्या है, प्रारंभ में उच्च है, इसके बाद में धीरे धीरे
जैसे जैसे देखो समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे जन्म दर क्या होती जा रही है, निम्न होती जा रही है। लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ की जो जनसंख्या है ये उच्च होती है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है यहाँ अधिक होती है। देखो ये ग्राफ जा रहा है यहाँ से, यहाँ से ग्राफ जा रहा है, यहाँ तो जनसंख्या रहेगी कम, यहाँ तो जनसंख्या वृद्धि ज्यादा नहीं है क्योंकि ये तो प्रारंभिक अवस्था है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का समय है ना, ये जो ग्राफ है ये पूरा का पूरा किसका है, द्वितीय अवस्था का ही है, ये पूरा का पूरा क्या है, द्वितीय अवस्था का ही है। तो यहाँ शुरू में तो देखो यहाँ जनसंख्या बिल्कुल, जनसंख्या वृद्धि क्या रहेगी, निम्न, शुरू शुरू में जनसंख्या वृद्धि क्या रहेगी, निम्न रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो मृत्यु दर निम्न और जन्म दर क्या है, उच्च है, तो ज्यादा स्टार्टिंग में ये निम्न क्या रहेगी, यहाँ वृद्धि करेगी, जनसंख्या वृद्धि क्या हो गई, अधिक हो गई। अब ये ग्राफ दिखा रखा है ऐसे, देखो ऐसे बढ़ रही है, इस ग्राफ को देखेंगे, इस ग्राफ से आपको क्या लगेगा, ऐसे बढ़ रही है ये जनसंख्या, इस प्रकार से क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। द्वितीय अवस्था में देखो ऐसे धीरे 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 बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, फिर बढ़ने लगी, फिर देखो यहाँ जा करके पीक स्तर पर हो जाती है, यहाँ जा करके पीक स्तर पर हो जाती है, और इसके बाद में घटने लग जाएगी। देखो फिर आगे वाली अवस्थाओं में क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। और यहाँ इस द्वितीय अवस्था में यहाँ जा करके जनसंख्या यहाँ सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है इसकी, यहाँ जनसंख्या की क्या हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जनसंख्या का विस्फोट काल या जनसंख्या का संक्रमण काल कहा जाता है। आगे आइए तृतीय अवस्था में, ये तृतीय अवस्था है, तृतीय अवस्था में देखो ये जन्म दर वाली लाइन आ रही है ना, वे मृत्यु दर की, तो मृत्यु दर निम्न है और जन्म दर भी क्या हो गई, निम्न हो गई। पहले तो यहाँ थी देखो जन्म दर, है ना, यहाँ उच्च की सीध में थी, यहाँ उच्च की सीध में थी, और इसके बाद में देखो जन्म दर कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। देखो इधर से आप मिला करके लाएंगे, ऐसे मिला करके लाएंगे ना, तो ऐसे क्या हो गई, निम्न हो गई, और मृत्यु दर भी क्या हो गई, निम्न हो गई। चतुर्थ अवस्था में दोनों ही निम्न है, मृत्यु दर भी निम्न है और जन्म दर भी निम्न है, और पंचम अवस्था में भी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है, निम्न है। तो ये है आपकी जननांकिकीय जो संक्रमण सिद्धांत है, इस जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाएं, तो इसको उतार लेंगे आप, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की क्या है, ये विभिन्न अवस्थाएं हैं, इनको आप क्या कर लेंगे कॉपी में, इसको अगर आप बनाएंगे पूरा अच्छी तरह से शानदार हेडिंग डालेंगे, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं का रेखा चित्र, संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं का रेखा चित्र, और इसके बाद में अवस्था बनाएंगे, समझ लेंगे यहीं से कि कौन सी अवस्था में जन्म दर ऊंचा है, कौन सी अवस्था में निम्न है, मृत्यु दर कौन सी में ऊंचा है और कौन सी में निम्न है। तो ये आपका जननांकिकीय संक्रमण जो मॉडल है, सिद्धांत है, इसकी क्या है, विभिन्न अवस्थाएं हैं। और ये आपका जो पाठ है, चैप्टर है, ये भी पूरा हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में पहले तो मैं इसका थोड़ा सा आपको सार पढ़ाऊंगा, तो जैसे नेक्स्ट वीडियो आप तैयार करें उससे पहले जो दूसरा चैप्टर हो चुका है ना, इसका पूरा का पूरा नोट्सों का आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, एक बार पढ़ लें, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में कल आपको बताऊंगा, तो उसमें आपको जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपके तुरंत मतलब दिमाग में बैठता जाएगा कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। लेकिन देखो ये कब संभव होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तभी संभव होगा जब आप स्वयं जो पढ़ाई गई चीज है उसका पुनः क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, किसी दूसरे के भरोसे आप बैठ करके कि उसने पढ़ लिया होगा और अब सर समझाएंगे तो मेरे को भी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको स्वयं को मेहनत करनी ही पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।